दोस्तों एक ईमेल आईडी से 50 यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोग को ये बात मालूम ही नहीं होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसीलिए आप लोग जब भी नया चैनल बनाते होंगे, उसके लिए एक नए जीमेल को बनाते होंगे, और चूंकि हर एक जीमेल में आपको फोन नंबर देना पड़ता है, बहुत सारे मतलब लफड़े होते हैं, ऊपर से आप मान लेते हैं किसी का 10 आईडी है, 15 आईडी है, तो उसका पूरा फोन में एक लंबा लिस्ट हो जाता है, और उतना आप ईमेल का पासवर्ड भी याद नहीं रख सकते हो। तो चलिए आज का जो वीडियो है, आज मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप एक ईमेल आईडी से कैसे मल्टीपल चैनल बना सकते हो, वो भी अपने फोन में। और इसके लिए और इसका जो जरूरत होगा, यह आपको ब्लॉगिंग को वायरल करने में ज्यादा होगा। आपका जो ब्लॉग है वो तभी वायरल होता है जब आप नए चैनल पर काम करो। ऐसे में आप कुछ नहीं करोगे, एक ईमेल अपना बना लोगे, तो उसी ईमेल से हर बार एक नया चैनल बना के उस पर आप अपना ब्लॉग पोस्ट करोगे। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉग का वायरल होने का संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे फोन के स्क्रीन पे, और आपको हम दिखाते हैं कि आप एक ईमेल आईडी से कैसे आप अपना दूसरा चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जो है अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउजर में अपना जो जीमेल होगा, जिस जीमेल से आपको चैनल बनाना है, उसको आपको लॉगिन कर लेना है चैनल के डैशबोर्ड में, जैसे आप करते हो YT स्टूडियो इसमें क्रोम में। इसके बाद आपको यहां पर देखो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। अब अगर नहीं आया ऐसा स्क्रीन, तो आपको यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर आपको क्लिक करना होगा ये जो कॉर्नर है यहां पर, और क्लिक करने के बाद आप यहां पर सेटिंग पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। और सेटिंग में जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ही स्क्रीन आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो है, आपको एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला चीज, आपका जो ये क्रोम ब्राउजर है ये डेस्कटॉप मोड में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, आपका जो यूट्यूब है, जो भी यूट्यूब में जो जीमेल लॉगिन है, वो आपका वही जीमेल होना चाहिए जिससे कि आप अभी चैनल खोलना चाह रहे हो। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, ऐसा स्क्रीन मानेगा, इसको जूम करके मैं दिखा दूं, यहां लिखा हुआ क्रिएट ए न्यू चैनल, आपको सीधे इस पर क्लिक करना होगा क्रिएट ए न्यू चैनल पे। इसके बाद जो है ये खुद करेगा, डिटेक्ट करेगा, आपको YouTube पर लेके जाएगा, फिर वापस यहाँ पर लेके आएगा। थोड़ा स्लो है लेकिन होगा जरूर, सब्र नहीं खोना है। अच्छा देखिए, अब एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा, लेकिन वो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये कैसे आएगा, तो देखिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ नीचे आने के बाद ये ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप साइड से हट जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पेज है। आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे, अब देखो अब ये जो प्रोसेसिंग लेगा, और अब देखिएगा मेरे सामने स्क्रीन खुल के आएगा, जहां पर की जो है वो हम अपना चैनल का नाम डाल सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि नेटवर्क स्लो है। देखिए आ गया, वेट नहीं करने दिया, चलिए आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जो है अपने चैनल का एक अच्छा सा जो भी नाम आप सोचे हो, आप वो नाम यहाँ पर डालो। चलिए मैं भी कुछ नाम दे देता हूँ, चलिए मैं दिखाने के लिए भूसकोल गेमिंग, चलिए भूसकोल BHUS का, देखिए भूसकोल गेमिंग मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसको आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से आपको इसको क्रिएट पर क्लिक कर देना होगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली आपका जो चैनल है उसको ये बना के दे देगा। देखिए मेरा चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद भी आपको बहुत सारे काम करने होंगे। चैनल आपका बन गया, लेकिन इसके बाद जो है वो आपको जितना भी बोलते हैं ना सेटिंग, वो सब आपको खुद ही करना होगा, और इसके बाद ये इजी भी हो जाएगा। तो देखिए ये जो है भूसकोल गेमिंग मेरा चैनल बन के तैयार है, यहाँ हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कस्टमाइज चैनल मैनेज वीडियोज आ गया। अब यहाँ से जो है सो आप अपना चैनल को ईजिली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप कस्टमाइज करो, यहाँ पर जो भी आपको लगाना है सब कुछ लगाओ। और एक चीज़ अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जब YT स्टूडियो में आओगे, आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो वैसे क्लिक करोगे, और देखो यहाँ पर आपको जो है ये भूसकोल गेमिंग आ रहा है, आपके उसी जीमेल के उसी चैनल के ऊपर में आएगा भूसकोल गेमिंग। आपका जितना चैनल रहेगा वो आपको शो होते रहेगा, और इस तरह से आप यहां से अपने चैनल को एक्सचेंज भी कर सकते हो। इस तरह से आपको अपना चैनल बनाना होगा, नया चैनल एक ही जीमेल से आपको फिर अगर बनाना होगा इसी जीमेल से, तो आप फिर से सेम प्रोसेस अपनाओगे, आपका तीसरा चैनल भी बन जाएगा। आप 50 चैनल तक जो है ये बना सकते हो। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसकी पूजा कर लो, और उसके बगल में घंटी रखी होगी उसको बजाते हुए आशीर्वाद ले लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।